नमस्कार, आप देख रहे हैं टी भारत। मैं हूं आपके साथ रजनीश। मैं इस समय लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं। मैं इस समय रामपुरा ब्लॉक में हूं और रामपुरा ब्लॉक की जानकारी पाने में बहुत चर्चित में रहती हूँ। ये नदिया पार्क का इलाका है। नदिया पार्क के इलाका में किसकी ज़्यादा बहुमत मिल रही है, किसके वोट ज़्यादा मिल रहे हैं, और उसी की हम बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसी में कवरेज दे रहे हैं हम। और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, दुकान है, और बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि यहाँ पर किसका माहौल ज़्यादा है। नहीं करते, हम दारू से बात करा, दारू से बात अच्छा दारू से बात करते हैं। दारू भी तो सरकार की, सरकार जी फ्री में थोड़ी दे रही, पैसा ले रही सरकार। रुपया तो हर चीज़ की लगती है, सरकारी चीज़ का हो तो फ्री की चीज़ हो। अच्छा अच्छा, किसको आप बना रहे हैं? नहीं, हम बनावे को, हम तो एक ही आदमी को बनाएंगे, या तो चंद्रशेखर आजाद के रूप में। चंद्रशेखर आजाद की यहाँ उम्मीदवारी नहीं? अरे उम्मीदवार को बनाए बस खाली। सुरेश चंद्र गौतम जी को बहुमत मिल रहा है, किसी को भी मिले हम वोट ही डालने नहीं जाएंगे। जीतेंगे कैसे? नहीं जीतने दो, हम दारू पियेंगे रोज बैठ के। दारू जैसे पीते हैं आप? काम हम कुछ भी करेंगे। कुछ भी क्या मतलब? अरे ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ भी, मतलब कौन सा भी कर सकते हैं। हम गाड़ी भी चला सकते, ट्रैक्टर भी चला सकते, ट्रक भी चला सकते, आइसक्रीम भी बेच सकते हम दुकान भी। एक क्वेश्चन और है भाई, मतलब हमारा कहने का मतलब यही है कि जब कहीं ना मिले सारा तो बोलो जय भीम का नारा। अच्छा, बस सौ बात की एक बात। चलो भाई साहब ने बताया, कितनी अच्छी बात बताई, लेकिन एक बात बताओ भाई, जो इस समय बेरोजगारी चरम पे है उसके बारे में क्या? रोजगार अभी तक मिलो ही नहीं जब काम है, महंगाई बहुत बढ़ रही हद से ज्यादा। तुम खुद जाना था वह चीज को? नहीं, हम तो जानते हैं। अगर हमें बोलना होता तो हम वही बोल लेती, तो बोल लेते तो हम तो बता रहा है, हम तो बता रहा है चीज को, तो समझो। मैं समझ वाले हो तो समझ सका, खोल के बताइए। हमें का डर लगा, कभी चोरी कर लिया, कभी सूट के आया, मार के आया, रात है तो हम तो आजाद हमेशा रहे। अबे थोड़ी चोरी से हम बैठे कि छिपके बैठे। शिक्षा के बारे में? शिक्षा के बारे में हम तो यही कहा, शिक्षा हो या ना हो पर इतनी बोले तो अकल होना चाहिए। अच्छा, हर किसी को शिक्षा से सब कुछ नहीं होता है। अगर आपका बीएसपी उम्मीदवार कोई भी हो, कोई भी हो, हम उससे दे दें जो अच्छे से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम भाई? मेरा नाम है पी के भाई चंदन बरा। ठीक ठीक, पी के भाई। और चाचा जी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा जी नमस्कार। कौन से गांव से हैं? अच्छा, इस बार आप किसकी सरकार बनना चाहेंगे? सरकार तो यार को जो अच्छा काम करेगा उसे बना देंगे। बीएसपी को बहुमत मिल रहा है, जैसे कि मतलब ज्यादातर बीएसपी का। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार बीएसपी और नारायण दास भी हर बार जी की टक्कर है, यहाँ पे टक्कर है, वोट मिल रहा है यहाँ का। देखो आपने अपनी ईमानदार आदमी होना चाहिए, प्रति वर्ष अपना ना होगा दीगर को दे, पर ईमानदार होना चाहिए। जैसे कि ये नदिया पार्क के इलाका, यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, प्रति वर्ष बाढ़ का तबाही मचाई रहती है, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? उसके बारे में बाढ़ तो यहाँ पर सरकार ने, फिर प्रति वर्ष जब तबाही होती है तो क्या क्या बंदोबस्त किए हैं? बंदोबस्त कुछ नहीं, बच जाइए अच्छा। शिक्षा में फिर क्या दिक्कत होती है? पढ़ने में बच्चे लोग जाते नहीं, जाते बंद हो जाते इस बार बीएसपी को ही बहुमत मिल रहा है यहाँ से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चाचा जी से और जानकारी लेते हैं। इस समय लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी तरह तरह की बात करके, अपनी अपनी बातों को रख के आपका मत का इंतजार कर रहे हैं। सही बात है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट मिलना चाहिए? मोदी के हैं, मोदी गल्ला देश है। अच्छा, किसान सम्मान निधि देश है। हाँ। और खाना जो है सब सुविधा है। अच्छा, मोदी को वोट जाएगा, मतलब भानु प्रताप वर्मा। अच्छा, जैसे कि भानु प्रताप वर्मा जी आपको वर्तमान में पता है 5 बार सांसद बन चुके हैं, तो उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या
अच्छी व्यवस्थाएं कराएंगे। सब बढ़िया है, पुल बन गया, रोड है और स्कूल है और जी सी चाहू का गवर्नमेंट। अच्छा, ये तो आप कहाँ से? हम नावली चाहूँगी। और शिक्षा के बारे में क्या कहना है? जैसे पढ़े वाला लड़का वो चाहता चलो जाए तो हम पढ़ ले, पढ़े वालों नहीं है वो तुम चाहे अच्छे स्कूल में पहुँचा दे पढ़ाते हैं। अच्छा, जैसे कि कहने हमारा ये है जहाँ भी यहाँ पे कोई बाढ़ आ जाती है और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं और जब लोग बीमार होते हैं तो स्वास्थ्य के बारे में यहाँ क्या क्या सुविधा है? बढ़िया सुविधा है, ये एम्बुलेंस वगैरह सुविधा है, एम्बुलेंस सुविधा है, हॉस्पिटल है। उपचार हेतु कहाँ जाते हैं? रामपुरा है, यहूँ हमारे यहाँ हॉस्पिटल है दूसरी। अच्छा, मतलब प्राइवेट ना सी एस सी सेवा।